सो हे दे वेलकम बैक गाइस टू द चैनल एवरीवन। आईपीएल 2020 शुरू होने में अभी भी टाइम बचा है, पर बीसीसीआई ने फाइनली पहली अपडेट दे दी है। आ गई भाई आ गई, बीसीसीआई की तरफ से पहली अपडेट आ गई है। ये अपडेट यार भाई बेसिकली आईपीएल 2020 के स्केड्यूल और टाइमिंग को लेके है, तो आज इसी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो वो है यार भाई आईपीएल 2020 एक्सटेंड होने वाला है। अनुमान यार भाई यही देखा जाता है कि जो आईपीएल है वो 45 डेज के अराउंड खत्म हो जाता है। 45 दिनों के अंदर अंदर जो लीग मैचेस है, प्लेऑफ्स है, सब कुछ खत्म हो जाता है और रैप अप हो जाता है पूरा आईपीएल। पर अब अपडेट ये निकल कर आ रही है कि आईपीएल पूरे 60 दिन चलने वाला है। यहां पर 15 दिन एक्सटेंड कर दिए गए हैं, तो 15 दिन और आप आईपीएल के मजे ले सकते हो। यहां पर ये फाइनल अपडेट है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। 60 दिन तक आईपीएल चलने वाला है, ये फिक्स हो चुका है। दूसरी खबर की बात करें तो भाई दूसरी खबर है डबल हेडर मुकाबले को लेकर। अगर आपको पता हो तो भाई वीकेंड्स के जो सैटरडे संडे होते हैं वहां पर दो दो मुकाबले होते थे। एक जो मुकाबला होता था वो दोपहर में 4 बजे होता था और जो दूसरा मुकाबला होता था वो 8 बजे रात को होता था। पर अब बीसीसीआई ने इसके ऊपर अपडेट ये दे दी है कि जो शाम वाले 4 बजे वाले मुकाबले रहते हैं अब वो नहीं खेले जाएंगे। डबल हेडर अब नहीं होने वाला है, यहां पर सिर्फ एक ही मुकाबला एक दिन में खेला जाएगा। सो आप मान सकते हो 60 दिन में अनुमम 60 मैचेस ही खेले जाएंगे, यहां पर एक दिन में 2 मैचेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है। इसके रीजन की बात करें तो जो 4 बजे वाला मुकाबला होता है बाय चांस वहां पर अगर बारिश आ जाती है तो वो मुकाबला और लेट हो जाता है, उसको खत्म होने में और टाइम लग जाता है। और जो 8 बजे वाला रात वाला मुकाबला होता है उसको भी यार भाई चालू करना होता है, सो ब्रॉडकास्टर्स को भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है और जो व्यूअरशिप है वो भी गिरती है। व्यूअर्स को भी समझ नहीं आता है कि कौन सा मैच देखे कौन सा मैच नहीं देखे, इसीलिए बीसीसीआई ने फाइनली जो डबल हेडर वाला मुकाबला है वो खत्म कर दिया है और यहां पर एक दिन में एक ही मैच होने वाला है। सो ये तो थी दो बड़ी अपडेट जिनके ऊपर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है। तीसरी अपडेट की बात करें तो वो है टाइमिंग्स को लेके। पिछले साल का जो आईपीएल सीजन था उसमें जो लीग मैचेस थे वो 8 बजे चालू होते थे और जो प्लेऑफ्स वाले मुकाबले थे फाइनल सेमीफाइनल वगैरह वो 7 बजे चालू होते थे, तो वो बहुत अच्छी बात थी, 7 बजे ही मैचेस चालू होने चाहिए। यहां पर बीच में जो बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स थे, सुनील गावस्कर ने भी इसके बारे में बीच में बोला था कि 7 बजे ही मैच चालू होना चाहिए। सो यहां पर बीसीसीआई ने कंफर्मेशन तो दी है कि 7 बजे हम मुकाबला चालू करने वाले हैं। यहां पर बीसीसीआई का भी मन है कि वो 7 बजे मुकाबला चालू करें, पर इसके ऊपर आईपीएल की सारी टीम्स की सहमति होनी चाहिए और इसके ऊपर अब मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में अगर आईपीएल टीम सहमत होती है तो फिर 7 बजे ही मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो फिर 8 बजे होंगे। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इसके ऊपर, मीटिंग होगी उसके बाद ही डिसाइड होने वाला है। एक चौथी अपडेट की बात करें ना तो भाई कोई लोग आपको बोल रहे होंगे कि 1 अप्रैल से आईपीएल चालू होने वाला है, 2 अप्रैल से चालू होने वाला है, सो इसके ऊपर कुछ भी अपडेट नहीं है, ये सारी फेक न्यूज है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही अपडेट है कि अप्रैल के महीने में मुकाबले चालू होने वाले हैं, अप्रैल के महीने में आईपीएल चालू होने वाला है, ये अपडेट निकल कर आई है। पर डेट्स का अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। जो भी अगर आपको बोल रहा हो कि भाई पहला मैच चेन्नई और मुंबई के बीच में खेला जाएगा तो उसकी मत मानना, प्रूफ पहले लेना, क्योंकि इसके ऊपर कंफर्मेशन आई ही नहीं है। यहां पर 1 अप्रैल 2 अप्रैल पता नहीं कब होने वाला है आईपीएल, कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बताने वाला। सो मेरी तरफ से वीडियो इतनी थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर बिल्कुल चेक कर देना। मिलूंगा आपसे एक अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।